दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूरोप में टेम्परेचर कंसर्निंग लेवल्स पे क्यों बढ़ रहा है। इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ हीट डोम। दोस्तों, हीट डोम एक हाई प्रेशर एरिया होता है जो वार्म एयर को एक्सटेंडेड पीरियड के लिए कैद कर लेता है। जितनी देर तक एयर ट्रैप्ड रहती है उतना ही सन रेज उसे गर्म करती हैं, जिससे हर रोज टेम्परेचर बढ़ता जाता है। दूसरा, डिस्टर्ब जेट स्ट्रीम। आसान भाषा में कहें तो हमारे एटमॉस्फेयर का एक ऐसा एरिया जहां हवा सामान्य परिस्थितियों के मुकाबले तेजी से चलती है, उन हवाओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। स्टडीज के मुताबिक जेट स्ट्रीम का एक वेव लाइक पैटर्न होता है जो कंटिन्यूसली वेस्ट से ईस्ट के बीच मूव करती रहती है। जब ये लहरें बड़ी और लंबी हो जाती हैं तब उनकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये स्ट्रीम्स रुक जाती हैं, जिससे एक हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है जो इन टर्न हीट डोम को फॉर्म करता है। अब राइजिंग टेम्परेचर के साथ साथ जेट स्ट्रीम और भी वेवी बन जाते हैं और नेचुरली हीट वेव्स और भी फ्रिक्वेंट हो जाती हैं, और ऐसा ही कुछ यूरोप में भी हो रहा है।